और तेलीपाली के खिलाड़ी रेड के लिए निकल चुके हैं परसदा के कोर्ट में। देखते हैं एक नंबर के खिलाड़ी क्या कर पाते हैं। शुरुआत पहला सर्विस है इनका, पहला रेड है इस मैच का। ऊंचे पूरे लंबे कद के खिलाड़ी बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए पहला अंक का एक अच्छा शकुन के रूप में जाना जाता है, माना जाता है खिलाड़ियों के लिए। देखते हैं कि कौन सा टीम पहला अंक अर्जित कर पाती है। बहुत अच्छा रेड का प्रदर्शन करते हुए वापस अपने कोर्ट पर। शून्य शून्य दूसरा रेड इस मैच का, दूसरा रेड परसदा के तरफ से। बढ़िया खेल का प्रदर्शन, पांच नंबर के खिलाड़ी सुंदर खेल का प्रदर्शन करते हुए यहां पर करीब करीब कोर्ट को खिलाता हुआ। और एक जबरदस्त शीघ्रता शीघ्र तीन नंबर के खिलाड़ी के द्वारा। अभी तक दोनों ही टीम का स्कोर नहीं बन पाया है, शुरुआती क्षण है, कभी भी पॉइंट बनाया जा सकता है। देखते हैं यहाँ पर पॉइंट बन पाता है कि नहीं बन पाता है। बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन तीन नंबर के खिलाड़ी के द्वारा और बोनस अंक प्राप्त करने के जुगत में खिलाड़ी वापस अपने कोर्ट पर। अभी तक के खाता कोई भी खिलाड़ी की तरफ नहीं खोला है। तेलीपाली के कोर्ट पर रेड करने के लिए निकल चुके हैं परसदा के खिलाड़ी इस मैच का, दूसरा रेड करते हुए परसदा के खिलाड़ी। शुरुआती क्षण है, दोनों एक दूसरे के ताकत और नजाकत को भापने में लगे रहते हैं। जबरदस्त खेल का प्रदर्शन और ये यहाँ पर थर्ड रेड करो या मेरे के लिए बनाना होगा, या तो पॉइंट बनाना होगा या फिर पॉइंट खोना होगा। केवल एक ही विकल्प है, दूसरे विकल्प के लिए कोई जोगर नहीं है। बोर्ड में अभी अंक निश्चित रूप से अर्जित होगा, चाहे वो परसदा की तरफ होगा या फिर तेलीपाली की तरफ होगा। और पहला अंक प्राप्त किया है परसदा ने टेकल के रूप में। दोनों ही टीम के एक एक अंक, एक तरफ तेलीपाली को बोनस के रूप में प्राप्त हुआ अंक, तो दूसरे तरफ परसदा आउट करने के रूप में। बढ़िया खेल यहां पर जारी है, एक एक के स्कोर पर दोनों ही टीमों का स्कोर, तेलीपाली एक और परसदा एक। बढ़िया जबरदस्त टेकल, गजब का टेकल, पॉइंट बढ़ता हुआ जा चुका तेलीपाली का दो। सुंदर टेकल का मुजाहरा हुआ यहाँ पर फिर से छह नंबर के खिलाड़ी तेलीपाली के। सभी खिलाड़ी, छह खिलाड़ी सम्मुख रेड करता हुआ, अभी भी बोनस ऑन है, लेकिन यहाँ पर एडवांस टेकल करने का अथक प्रयास किया गया। पॉइंट बढ़ता हुआ जा चुका तेलीपाली का तीन। ऐसे प्रयासों से बचना चाहिए परसदा को। पांच नंबर के खिलाड़ी के द्वारा अच्छा प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर देखते हैं सभी खिलाड़ी का सम्मुख रेड करता हुआ। एक अंक बनाया है परसदा ने वही तेलीपाली, और यहाँ पर जबरदस्त टेकल, किसी तरह से कोई मौका ही नहीं रहा रेडर कि वो मिड लाइन को जाकर के छू सके। पॉइंट बढ़ता हुआ जा चुका तेलीपाली का चार। तेलीपाली के छह नंबर जर्सी पहने हुए रेडर चार खिलाड़ी के सम्मुख रेड करता हुआ, सबसे पहले राइट कॉर्नर, उसके पश्चात में लेफ्ट कॉर्नर की ओर आता हुआ, पैरों का अच्छा इस्तेमाल करता हुआ धीरे धीरे वापस अपने कोर्ट पर जाता हुआ छह नंबर के खिलाड़ी। तेलीपाली चार परसदा एक, तीन अंकों से आगे चल पड़ी है तेलीपाली। बढ़िया प्रदर्शन। इसके पश्चात सेकेंड मैच कर्रापाली वर्सेस मांड नवापारा, सेकेंड मैच कर्रापाली वर्सेस मांड नवापारा। तीन नंबर के खिलाड़ी, चार खिलाड़ी शेष है, चार खिलाड़ी के सम्मुख रेड करता हुआ। यदि तीन खिलाड़ी शेष रहते तो सुपर टेकल ऑन हो जाता, लेकिन इसलिए और यहां पर टेकल कर लिए गए खिलाड़ी को। पॉइंट बढ़ता हुआ जा चुका दो के स्कोर पर। धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई परसदा, तेलीपाली के विरुद्ध रेड करते हुए परसदा के अच्छा खेल का प्रदर्शन यहां पर जारी है। इस मैच के पश्चात कर्रापाली और मांड नवापारा तैयार रहेंगे, सेकेंड मैच कहलाएगा आज का कर्रापाली वर्सेस मांड नवापारा। आप जो मुख्य द्वार है जहां एंट्री करते हैं खिलाड़ी, वहां पर आ जाएं, किसी तरह से कोई लेट लतीफी करना उचित नहीं होगा। अभी सेमीफाइनल खेलना है, फाइनल खेलना है, उसके पश्चात बालिकाओं का भी फाइनल खेल खेलना है, इसलिए इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए आप डू ऑर डाई रेड देखते हैं इस खिलाड़ी के लिए डू ऑर डाई रेड में क्या कर पाते हैं। हालांकि डू ऑर डाई रेड बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, दो पॉइंट प्राप्त हुआ और पहला
कर्णापाली और मान नवापारा का होना है। बढ़िया खेल यहाँ पर 6 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा, एक अच्छे रेडर के रूप में जाने जाते हैं। बोनस ऑन है यहाँ पर, देखते हैं बोनस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और बोनस के फिराक में टैकल कर लिए गए खिलाड़ी को, रेडर आउट, पॉइंट बढ़ता हुआ जा चुका परसदा का 5। अब आगे निकल चुकी है परसदा। आज का तीसरा मैच टेका वर्सेस बगबुड़वा, दोनों टीम के खिलाड़ी कृपया ध्यान देंगे, टेका वर्सेस बगबुड़वा आज का और अभी का तीसरा मैच। सेकेंड मैच कर्रापाली मान नवापारा और फर्स्ट मैच खेलती हुई तेलीपाली और परसदा, 4-5 के बीच में खेल यहां पर जारी है। टीम है रामलला अयोध्या मंदिर में पहुंच चुके हैं, 12:29 में प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। और न केवल भारत देश के चप्पा चप्पा गांव गांव कस्बा कस्बा और गली मोहल्ला सभी आज राममय हैं। और उसी के तारतम्य में बालमगुड़ा से भी कलश शोभा यात्रा निकाली जा रही है, बहुत अच्छी बात है। रामलीला अयोध्या मंदिर में पहुंच चुके हैं, जा चुके हैं, हमको लग रहा है कि हमारे घर में आ गए हैं, हमारे मंदिर में आ गए हैं, हमारे पास स्थापना हो चुका है। उसी को मद्देनजर देखते हुए बालमगुड़ा ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, कलश शोभा यात्रा निकाला है, जो हम सब के लिए हर्षित प्रसन्नता और खुशी का विषय है। सुपर टेकल आन है यहाँ पर, देखते हैं क्या कर पाते हैं। और यहाँ पर सुपर टेकल का फायदा उठा लिया है तेलीपाली ने, 2 पॉइंट का इजाफा हुआ है, फलस्वरूप 1 पॉइंट से आगे निकल चुकी है तेलीपाली, 6 के स्कोर पर पहुंच चुकी है तेलीपाली और परसदा 5 के स्कोर पर। कभी गांव गांव तो कभी पात पात, कभी 5 के स्कोर पर परसदा तेलीपाली, 6 के स्कोर पर कभी तेलीपाली आगे निकल जाती है, कभी परसदा आगे निकल जाती है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना कसमकस, कितना दिलचस्प और कितना रोमांच मैच यहां पर जारी है। तीसरा नंबर 3 नंबर के जर्सी पहने खिलाड़ी, और ये बोनस, और पहला हाफ यहां पर दाहिने ओर आ चुकी है तेलीपाली और बाई ओर जा चुकी है परसदा, 7-5 के मध्य यहां पर मैच जारी है, 5 परसदा और तेलीपाली 7, कोई भी टीम इस मैच को जीत सकती है। और बहुत बढ़िया सामने से आए और टैकल कर लिए गए यहां पर खिलाड़ी को, तेलीपाली 8, रेडर आउट हुआ वहां पर, लॉबी पर चले गए और मिडिल लाइन पर छू नहीं पाए रेडर, जिसके चलते आउट करार दिया गया एम्पायरों के द्वारा। फलस्वरूप पॉइंट बढ़ता हुआ जा चुका तेलीपाली का 8 और 5 के स्कोर पर परसदा, तेलीपाली अब 3 पॉइंट से आगे निकल चुकी है, देखते हैं इस 3 पॉइंट को किस तरह से पाट पाती है परसदा। दोनों ही टीम की तरफ से अच्छा प्रदर्शन करते हुए करीब करीब टाइम पास की मुद्रा में 3 नंबर के खिलाड़ी वापस अपने खेमे पर जा चुका है, 5 खिलाड़ी के सम्मुख रेड करता हुआ और शीघ्र अपने कोर्ट में वापस, शायद थर्ड रेट यानी कि डू ऑर डाई रेट के लिए जल्दी या शीघ्रता से शीघ्र करना चाहे। यहां पर 8 के स्कोर पर तेलीपाली और परसदा 5 के स्कोर पर, पूरा समय का उपयोग करते हुए रेडर 30 सेकंड का जो समय रहता है उसका पूरा उपयोग करते हुए 5 खिलाड़ी के समूह रेट करते हुए फिर से वापस, लगता है डू ऑर डाई रेट के लिए आमंत्रित करने बचा हुआ है। डू ऑर डाई रेट, करो या मरो की नीति अपनाना होगा, पॉइंट जरूर बनाना होगा, यानी था पॉइंट विरोधी टीम को चला जाएगा, बोर्ड जरूर पॉइंट बताएगा, चाहे वो पॉइंट तेलीपाली की तरफ से हो या फिर परसदा की तरफ से हो। रेडर आउट, परसदा 6। इधर भी दो आ गए 4 खिलाड़ी के सम्मुख, और सुंदर बढ़िया गजब से जो जाल बिछाया गया था इस खिलाड़ी के लिए, उस जाल में पूरी तरह से फंस गए खिलाड़ी, पॉइंट बढ़ता हुआ जा चुका तेलीपाली का 9।
पांच खिलाड़ी शेष हैं, अभी आउट करा करके रिवाइवल करना होगा खिलाड़ियों को। 9 और 6 के मध्य मैच यहां पर जारी है। फर्स्ट काल हो चुका है कर्रापाली और मानपारा के लिए। सेकंड कॉल कर्रापाली और मानपारा के लिए, सेकंड कॉल कर्रापाली और मानपारा के लिए ध्यान देंगे खिलाड़ी। सेकंड कॉल कर्रापाली और मानपारा। पहली पाली 9 और परसदा 6, 3 के स्कोर पर पीछे चल रही है परसदा। शुरुआती दौर पर आगे निकल चुकी थी लेकिन अपने आप को सजाया संवारा। जो भी रणनीति है, कला है, कौशल है, हुनर है, उस सबको निखारते हुए आगे निकल चुकी है पहली पाली। 9 के स्कोर पर पहुंच चुकी है जबकि 6 के स्कोर पर परसदा। वापस पहली पाली के कोर्ट पर खिलाड़ी आता हुआ, 5 खिलाड़ी शेष है। फिर से संभवतः है डुआ डाई रेट के फिराग में खिलाड़ी, इसीलिए शीघ्रता शीघ्र बिना विलंब किए अपने खेमे में वापस आते हैं। और 2 नंबर के खिलाड़ी के लिए डुआ डाई रेट का सामना क्या कर पाते हैं 2 नंबर के खिलाड़ी, देखते हैं पैन बना पाता है कि पैन खोना पड़ता है। निश्चित रूप से डिस्प्ले बोर्ड अंक बताएगा, चाहे अंक तेली पाली की तरफ से हो चाहे परसदा की तरफ से हो, बोर्ड हिलेगा उसमें कोई दो मत की बात नहीं है क्योंकि डुआ डाई रेट है। और यहाँ पर डुबकी लगाकर वापस जाना चाहते थे लेकिन चौकन्ना थे परसदा के खिलाड़ी। पॉइंट बढ़ता हुआ जा चुका परसदा का 7। इधर भी थर्ड रेट डुआ डाई रेट, या तो पॉइंट बनाना होगा या फिर पॉइंट खोना होगा, एक ही विकल्प। निर्णायक महोदय को निर्णय करने दे कि किसी तरह से कोई दबाव न डाले। जिस तरह से सीसीटीवी कैमरा देखती है उसी तरह से हमारे निर्णायक महोदय सब चीज को देख रही है। तेली पाली 10, परसदा 7। बाएं तरफ है परसदा और दाहिने तरफ है तेली पाली। दोनों ही टीम का स्कोर ज्यादा अंतर में नहीं है बल्कि केवल 3 पॉइंट का है और 3 पॉइंट में कोई 3 अंक का कोई मायने ज्यादा रहता नहीं है। कभी भी ये 3 अंक को पाटा जा सकता है, दूर किया जा सकता है। करीब करीब टाइम पास करते हुए तेली पाली के खिलाड़ी, 7 अंक है परसदा का, 3 अंक से आगे निकल चुके हैं, इसलिए उनकी मुद्रा, उनकी भाव भंगिमा टाइम पास करने के। बढ़िया खेल का प्रदर्शन 5 नंबर के खिलाड़ी ने, हालांकि अभी बोनस ऑन नहीं है क्योंकि सेकंड कॉल हो चुका है। खिलाड़ी ध्यान देंगे, सेकंड कॉल हो चुका है, जैसे ही ये मैच समाप्त होगा 1 मिनट के भीतर भीतर आना होगा। तेली पाली 10, परसदा 7, 1 मिनट और 22 सेकंड का खेल बाकी है दूसरे मध्यांतर में। कर्रापाली और मानपारा, हमारी आवाज आप तक पहुंच चुकी होगी, सुन चुके होंगे और तैयार भी हो गए होंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। चेतन सिद्धार्थ जहाँ कहीं भी हो कृपया संपत्ति से समिति से संपर्क करें। चेतन सिद्धार्थ जी समिति से संपर्क करें, आपकी महती आवश्यकता पड़ रही है। आखिरी मिनट की ओर चल चुका है ये मैच, देखते हैं खिलाड़ी क्या कर पाते हैं। जो भी करना है, जितना भी करना है परसदा को करना है क्योंकि तेली पाली ऑलरेडी 3 अंक से आगे निकल चुकी है। बढ़िया बढ़िया, जान रहा है कि आखिरी समय है, आखिरी लम्हा है, किसी तरह से कोई जोखिम उठाना नहीं चाह रही है तेली पाली, लेकिन जोखिम उठाना चाहती है परसदा। परसदा क्या कर पाती है डुआ डाई रेड में। बढ़िया प्रदर्शन करते हुए और सुंदर अंत्यकाल यहाँ पर, किसी तरह से कोई मौका नहीं। पॉइंट बढ़ता हुआ जा चुका 8 के स्कोर पर। और लास्ट रेट, लास्ट रेट 18 नंबर के खिलाड़ी के लिए जोखिम उठाना होगा लेकिन एक ही पॉइंट मिला। धन्यवाद।
और 9-10 के मध्य मैच समाप्त हुआ। थर्ड कॉल कर्रापाली और मान नाव पारे के लिए थर्ड कॉल, दो कॉल हो चुके हैं फर्स्ट और सेकंड के रूप में।